You are a content writer, but you always feel your write-ups are not as good as others. तुम्हें लगता है जो दूसरे content writers हैं उनके write-ups ज़्यादा अच्छे हैं, उनका quality of writing ज़्यादा अच्छा है as compared to you. You're always scared, skeptical and you always doubt yourself. क्या तुम भी ऐसा करते हो regular basis पे? क्या तुम सिर्फ क्रिप करने के अलावा दैट यू कैन नॉट राइट एज गुड एज अदर राइटर्स उसके अलावा कुछ करते हो? यू नो फॉर बीइंग अ ग्रेट कंटेंट राइटर यू हैव टू राइट डेली, पर क्या तुम ऐसा कर पाते हो? कोशिश करते हो फिर भी यू कैन नॉट राइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन नॉट राइट डेली. बट आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आई विल गिव यू 3 सुपर फैंटेबुलस वेज दैट विल मोटिवेट यू टू राइट डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो और तुम इससे कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. एज अ कॉन्टेंट राइटर वी ऑल फील कि हमारे राइटअप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है. इसीलिए ज़्यादातर हम सोचते हैं डेली लिख के क्या फ़ायदा, द राइटिंग लेवल एंड द राइटिंग स्टाइल वोंट चेंज, इट विल रिमेन द सेम. बट ऐसा नहीं है. इसीलिए जो मेरा फर्स्ट टिप है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग क्रैप, स्टार्ट राइटिंग क्रैप ऑन अ रेगुलर बेसिस. टू अटेन अ मास्टरी लेवल इन राइटिंग यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बाई राइटिंग क्रैप राइटअप्स, क्रैप क्वालिटी राइटअप्स. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जैसे जैसे तुम वो क्रैप राइटअप्स लिखने लगोगे धीरे धीरे तुम्हारा जो राइटिंग स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, जो राइटिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होगा, जो तुम्हारा राइटिंग का इमेजिनेशन है और जो क्रिएशन है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा. जो इमेजिनेशन और क्रिएशन दोनों ही फ्लो में आने लगेगा लिखते लिखते, जो तुम्हारी हैबिट होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. और आई कैन गारंटी यू, यू विल सून टर्न फ्रॉम क्रैप राइटिंग टू अ मास्टर लेवल ऑफ राइटिंग. जो तुम्हारा राइटअप है वो क्रैप से मास्टरपीस कब बन जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट राइटिंग क्रैप, 300-400 वर्ड्स ऑफ क्रैप राइटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. कोई भी एक्स वाई जेड टॉपिक उठा लो, चाहे तुम कोई न्यूज़ में देखो, चाहे तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, चाहे ये रिंग लाइट हो, चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे ये माइक्रोफोन हो, किसी भी चीज़ पे 300-400 वर्ड्स डेली लिखना शुरू करो. This point brings another problem, that is we are so busy in watching our phone, TV, Netflix, television, movies, chatting with our friends, chatting with on social media networks, etc., etc., that we just forget, we just procrastinate writing. हम सोचते हैं कि चलो आज ये देख लेते हैं, कल पक्का से regularly लिखेंगे. This is a common scenario for everybody, no matter what kind of job you are doing. इसीलिए इस हैबिट को तोड़ने के लिए यू हैव टू डेवलप फ्यू रूटीन्स. अब इस रूटीन में यू हैव टू मेक श्योर यू आर राइटिंग एट द सेम प्लेस एंड यू आर राइटिंग एट द सेम टाइम एवरी डे. यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ. अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को सुबह लिखना अच्छा हो लगता है, कुछ लोगों को लेट नाइट. सो इट इज़ अप टू यू, यू कैन फाइनलाइज अ सेम टाइम दैट यू विल राइट एवरी डे. जैसे कि मेरा टाइम है 11 o'clock पे अराउंड, मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ लिखूँ, क्योंकि 11 o'clock नाइट दैट इज़ द टाइम दैट आई डू नॉट हैव एनी वर्क. उसके अलावा अगर मैं प्लेस की बात करूँ, कुछ लोगों को कैफेज़ में लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को बेड पर लिखना पसंद होता है, कुछ लोगों को अपने स्टडी डेस्क अपने वर्क स्टेशन पर. सो यू डिसाइड योर प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू राइट, वेयर यू फील द मोस्ट क्रिएटिव. टाइम और प्लेस अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन से सेट करो. और ये ध्यान रखना तुम उस टाइम पे और उसी प्लेस पे डेली लिखोगे. 30-40 दिन लिखो, उसके बाद ये हैबिट बन जाएगी, आई कैन गारंटी दैट. इसके बाद इस सेकेंड पॉइंट को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ. यू हैव टू प्रिपेयर अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ. यू कैन चैलेंज योरसेल्फ बाय सेइंग आई विल राइट 7 articles इन 7 days, और आई विल राइट 15 articles इन 15 days, और आई विल राइट 7 different फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इन 7 days. और यू कैन ऑल्सो से आई विल डू 7 days ऑफ लर्निंग कीवर्ड, 7 days ऑफ लर्निंग SEO, 7 days ऑफ लर्निंग क्वालिटी राइटअप्स, और 7 days ऑफ रीडिंग ब्लॉग्स.
ऐसे ही अपने लिए छोटे छोटे चैलेंजेस बनाओ। तुम अपने आप को चैलेंज करो कि 7 डेज में, 15 डेज में या 30 डेज में तुम ये टास्क कंप्लीट करोगे। जो ऐसे चैलेंजेस होते हैं वो हमारे माइंड को मोटिवेट रखते हैं एंड दे पुश यू टू फिनिश दैट चैलेंज एंड अटेन समथिंग बिगर एंड फास्टर। अगर ऐसे चैलेंज करोगे तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग क्वालिटी बढ़ेगी, तुम्हारी रिसर्च एबिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ जो तुम्हारा इमेजिनेटिंग पावर है माइंड का वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करूँगी, काफ़ी सारे ऐसे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं रेडिट पे, जहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स ऐसे चैलेंजेस पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा वो काफ़ी सारी राइटिंग को रिलेटेड चीज़ें भी बताते हैं। तुम उन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, अपने जो कम्युनिटी मेम्बर्स हैं उनके साथ मिलके कुछ नया सीख सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ को ज़रूर करना और अपने फेलो कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ जाके चीज़ों को और अच्छे से समझना और नए नए चैलेंजेस लेना। इसके बाद लास्ट है हमारा बोनस टिप, दैट इज यू हैव टू मेक श्योर एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर यू आर राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, यानी कि तुम्हें डिफरेंट नीशेस पे और डिफरेंट तरीके की राइटिंग करनी है। कभी तुम केस स्टडीज करना, कभी तुम वाइट पेपर्स लिखना, कभी तुम प्रोडक्ट रिव्यूज लिखना, कभी तुम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना, कभी तुम इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना, कभी तुम एफिलिएट मार्केटिंग के आर्टिकल्स लिखना, कभी तुम हेल्थ पे लिखना, कभी तुम टेक्नोलॉजी पे लिखना, कभी लाइफस्टाइल पे, कभी कुकिंग पे। ये ध्यान रखना तुम्हारा जो हर दिन हो, हर दिन एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग हो और हर दिन एक तुम डिफरेंट नीश उठाओ जो कि तुम्हें अच्छा लगता हो। ऐसे करने से यू विल बिकम अ डाइवर्स राइटर, तुम्हारा जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स हो जाएगा और फ्यूचर में तुम्हें हेल्प करेगा अगर तुम्हें डिफरेंट नीशेस के क्लाइंट मिलते हैं। और ऐसा करने से तुम यू कैन कॉल योरसेल्फ अ जर्नलाइज्ड राइटर हु कैन राइट ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। अब ये चीज़ एक बोनस टिप है, ये हर कोई नहीं करता। इसके अलावा अगर तुम्हें राइटिंग प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम किस किस चीज़ की राइटिंग करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट हैं जैसे कि राइटर्स डाइजेस्ट, उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी नॉवेल्स हैं, राइटिंग बुक्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक दिए रहते हैं जो कि तुम जिन पर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें वो सब नहीं करना, तुम एक नीश की सबसे बेस्ट वेबसाइट उठाओ और उसके जितने भी ब्लॉग में टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको उन पे लिखना शुरू कर दो। दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड प्रैक्टिस। सो अगर तुम मेरी ये तीनों जो टैक्टिक्स हैं, जो सुपर फैंटेबुलस वेज है, उनको फॉलो करो और साथ साथ ये बोनस टिप फॉलो करो, आई कैन गारंटी यू यू विल बी एबल टू राइट डेली एंड यू विल बी अ बेटर राइटर विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। अगर ये चारों चीज़ें तुम 3 मंथ्स रेगुलरली करो, आई कैन गारंटी यू 4th मंथ तुम्हारा जो राइटअप की क्वालिटी होगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि तुम्हारे पास कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी और साथ साथ तुम्हारे सैम्पल्स भी बहुत अच्छे वाले प्रिपेयर हो जाएंगे। गिव इट अ ट्राई, सिर्फ 3 मंथ्स की बात है, 3 मंथ्स मेहनत करनी है, उसके बाद चीज़ें आसान होने लगेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन विद सम मोर अमेजिंग टॉपिक्स, आइडियाज़ एंड थिंग्स टू शेयर विथ यू।